लड़की को छोड़ दो ना भैया। न्याय का मैं साथ देता हूँ और जो गलत है उसे छोड़ता नहीं। ए भैया कह रहे हैं जो गलत काम करता है उसे नहीं छोड़ता। क्या मारो साले को। भाई मैं आपका पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, भाई बॉस बहुत बहुत थैंक्स बॉस। ए हम लोग कहाँ जी रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग कितनी खुशी से जी रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? ये क्या है रे? एमएलए डोसा। हाँ वो तो मुझे पता है लेकिन इतना काला क्यों? बताओ हमारे गांव का एमएलए कैसा है? काला है। तो फिर ये एमएलए डोसा सफेद कैसे हो सकता है? चुपचाप खा लो। ए रामू तेरे तरक्की के साथ तेरा नाटक भी बढ़ता जा रहा है। तेरी तरक्की एक तो उधार खाते हो, तेरा इज्जत से बात करना सीखो। अरे राम बाबू अरे बहुत बिजी है क्या? ए चल फटाफट मुझे चाय दे दे, कल चाय पीना भूल गया था। अरे बॉस आ गया क्या? अपने बड़े साहब बुला रहे हैं। ले ची, ये चाय इतना सड़ा हुआ बात क्यों मार रहा है? तुमने ही तो कहा कल की चाय दे दो। ए, तू मुझे क्या समझाता है? मैं इस गांव के बड़े मालिक का इकलौता नौकर हूँ और पिए भी। जा फ्रेश चाय ले आ। ए तू चुप बैठ रहे, सुबह से मैं चंटी का वेट कर रहा हूँ, अभी तक दूध नहीं आया है। चंटी। हेलो चंटी बोल रहा हूँ, दूध चाहिए कि गोबर चाहिए? क्या दूध 8 लीटर? क्या घर में कुछ फंक्शन है क्या? क्या शंकर ताई पेट से? हाँ ओ उनकी बेटी पेट से है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गौरी भैंस को भेज देता हूँ, दूध ले लेना और पैसे देना। अच्छा ठीक है, ए जा दूध लेके आ। क्या मौसी इसकी माँ कैसी है? इसकी माँ भी अच्छी है और इसकी माँ की माँ भी अच्छी है। अरे चंटी इससे इसकी माँ का दूध तो मैंने छुड़वा दिया लेकिन तेरे भैंस का दूध नहीं छुड़ा पा रही। इस चंटी का दूध चंटी को बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। इसको अंदर रख ले। नहीं मैं नहीं रखूंगा। क्या गुरु की बात नहीं? राम राम बलराम जी। हाँ?
क्या बात है, तुम सब किसान एक साथ मिलकर यहाँ आए हो? साहब रवि साहब जी, हाथ में आई हुई फसल बारिश की वजह से सब पानी में बह गई साहब। तुम सब लोग सिर्फ ये सोचते हो कि मैं अच्छा रहूं, मेरी फसल अच्छी रही, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम सब एक साथ अच्छे रहे। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल हम खेतों के बांध की मरम्मत करते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इस सब के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक साथ उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए तुम लोग सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? हमसे गलती हो गई साहब। हाँ साहब। ठीक है, तुम सब लोग चले जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है साहब। आओ आओ साहब, मैं बॉस को लेकर आ गया। क्या हुआ दादाजी, आपने मुझे बुलाया? क्या हो गया बॉस, कल रात को कोई झगड़ा बिगड़ा हुआ था क्या? उनकी हड्डी पसली तोड़ दी या कुछ बाकी रखा है? एमपीएस रत्नम अगर मांगे तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ये लैंड नहीं दे रहे हो। ये लैंड तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं, इसलिए इस लैंड को तुम लोग छोड़ दो। हम अपनी जान दे देंगे पर ये लैंड नहीं देंगे। तो ठीक है, तुम लोग अपनी जान ही दे दो। मैं इसको देख लूंगा, अब आप लोग रिलैक्स हो जाओ। बेटी, उस फोटो को इस तरह देख रही हो जैसे बचपन की याद आई। हाँ, वो सब कुछ बातें तुम्हें याद है क्या? वो लड़का कौन है? ये राम बाबू है, गांव में चाय की दुकान खोलकर लोगों को पुरानी चाय पिलाकर बेवकूफ बनाता है। ये वाला, ये छोटी, अरे इसको तो ठीक से मंत्र पढ़ना भी नहीं आता है लेकिन मंदिर में पुजारी है। और ये, ये तो अपना बॉस है बेटी, तुम भूल गए क्या? ये अभी क्या कर रहा है दादाजी? अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है, नौकरी की तलाश में है वो। वेरी ब्रिलियंट था वो, अभी तक नौकरी नहीं मिली? नहीं बेटी। पुना, 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 क्या हुआ? हमारे फ्रेंड्स को एक लड़का मार रहा है। कौन मार रहा है? Hey!
क्यों मार रहा है? अगली बार इस गांव में दिखे तो जान से मार दूंगा। अरे बॉस, अगर तुम मेरी थोड़ी भी इज्जत करता है तो छोड़ दे इनको। अरे बॉस, अरे बॉस, बॉस। आज मुझे पता चला दादाजी, ये इस तरह से टपोरी क्यों बन गया? ऐसे लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, पुलिस स्टेशन में डालकर हड्डी पसली एक करवा देना चाहिए। हड्डी पसली एक करवाने वाली क्यों पुलिस में कंप्लेन करोगी? तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। क्यों रे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी तू? तुम्हें पता है कि हुआ क्या है? पद्मा आओ भैया। राम बाबू कहाँ है? वो तो बाजार गए हैं भैया। आप इतने परेशान क्यों हैं? तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, आप जाके सो जाओ। ये होटल है? गांव में होटल ऐसे ही होते हैं यार। ए बच्चे इधर आ, जाकर सिगरेट का पैकेट ले आ। हाँ, लेके आता हूँ। तो फिर देसी मुर्गी को तो फिर पकड़ के दिखाओ ना यार। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाकर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जाकर जल्दी पकड़ो ना। गांव में तुम जैसा दम वाला टकराएगा, इसीलिए हमारे पीछे हमारे घर वालों ने बॉडीगार्ड भेजे हैं। अब पता चला पूनम कि कौन गुंडा है? वो लोग, वो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, क्या यही इनके संस्कार हैं? इज्जत की बात करती है, इज्जत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उनके पास। मैं होती तो जान से मार डालती उन्हें। वो तो मेरी वजह से चुपचाप यहाँ से चले गए भैया, और तुम जेल की बात करती हो। देखो बेटी, झूठ तो कभी कभी सच हो जाता है बेटी, लेकिन सच कभी झूठ नहीं होता। बोस बहुत ही अच्छा लड़का है बेटी। अरे जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को लेकर क्यों बैठे हैं? सुनना, ऐसी बातों को मन में रखने से मन को अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार पुनिया है यार। हाँ, मैं ही हूँ। ए, तुम क्यों यहाँ पर? मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने उन लोगों को यहाँ भेजा था, सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। ए, सॉरी वॉरी तुम्हारे पास रखो, निकल जाओ। पर राम बाबू, तुम चुप रहो यार। ये बड़े साहब की पोती करके छोड़ दिया तुम्हें, दूसरा कोई और होता ना। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ, वो अपनी गलती मान रही है ना, जो हुआ उसे भूलकर माफ कर। बाबूजी आप यहाँ पे, मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, इस बात को भूल जाओ आप। बोस कहाँ है? मुझे उसे सॉरी कहना था। वो शहर चला गया। वो तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, फिर भी इस तरह से टपोरी। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? मैं उसे समझना चाहती हूँ। वो जो इस तरह बदला है उसका कारण मैं हूँ। अरे बाबूजी, आपका दोष नहीं था। उसके अच्छा चाहने वाले दोस्तों को इस बारे में पता होना चाहिए, उसके बदलने का कारण मैं ही हूँ। बाबूजी आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हरकत की वजह से वो नाराज है। आसपास के 10 गांव में हमारे गांव में डिग्री पास लड़के हैं, ऐसा बलराम जी सारे गांव वालों को बताना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया बताओ? बाकी सब छोड़िए, पर हमारा बोस तो पास हो गया ना। अपना मुंह बंद रखो। भैया, क्या हुआ बेटी? एसआई की ट्रेनिंग में भैया का बुलावा आ गया है। अरे तुम्हें तो डिपार्टमेंट बहुत पसंद है, तो फिर क्या हुआ, दिखाओ तो। एसआई की नौकरी के लिए बहुत रिश्वत मांगते हैं यार, मैं तो आईपीएस बनूंगा। किसी और से रिश्वत लेते हैं तो तू क्यों सोचता है कि तुझसे भी रिश्वत लेंगे? ऐसा नहीं है दादाजी। इस बात की गारंटी है क्या? बॉस ये ठीक कह रहे हैं। मेरे कहने पर ही उसने हाँ कह दिया। क्या हुआ, मुझे नहीं चाहिए यार, ऊपर के अफसरों को चाहिए, मैं तो बीच का ब्रोकर हूँ। अकल से काम लो, समझ जाओगे।
तो फिर तुमने क्या करने का सोचा है? लेकिन मुझे रिश्वत क्यों देनी होगी दादाजी? अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिश्वत, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए रिश्वत, इंसान जिंदा रहे इसके लिए रिश्वत, अच्छा काम करे इसके लिए रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत। रिश्वत नाम की बीमारी को मैं उखाड़ फेंकना चाहता हूँ, न कि मैं उसे बढ़ावा देना चाहता हूँ। हम रिश्वत को बढ़ावा नहीं दे रहे, तुम बड़ो इसलिए रिश्वत दे रहे हैं। हाँ बेटा, हम लोग तेरे भरोसे ही जी रहे हैं। अगर तू पुलिस बन गया तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरा बेटा पुलिस वाला है, पूरे गांव को बताऊंगा। अपने पिता की बात मान ले बेटा। अरे बॉस, तू जो बोल रहा है वो भी सही है, तुम्हारे पिताजी ने जो सपना देखा वो भी सच है, तू पुलिस बनेगा ये उनका सपना है, इस बारे में फिर एक बार सोच। बेटा तुझे जो मौका मिला उसे मत छोड़। ए, तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करो, तुम्हारे बारे में गर्व से बोलेंगे लोग। हम अपना घर बेचकर उन्हें पैसा दे देंगे भैया। तुझे बड़ा आदमी बनना है ना यार, ये मौका हाथ से मत गवा यार। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुझे कुछ नहीं करना है रे, जैसे बड़े साहब कहते हैं वैसे ही करना। रिश्वत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और ना ही कभी रिश्वत खाऊंगा, खाऊंगा। इस बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। हैदराबाद में मेरे पहचान के एक एमएल है, श्री शैलम जी नाम है उनका। कौन वो दाढ़ी वाला? तू अपना मुंह बंद रख। हाँ। मैं तुम्हें एक लेटर लिखकर देता हूँ, तुम जाकर उससे मिल लेना। रिकमेंडेशन लेटर है दादाजी। ऐसे जिद्दी लड़के को तुमने कैसे पैदा किया जानकी? सुन, तुम रिश्वत नहीं देना चाहते हो तो कम से कम बड़े साहब की बात तो रख लो। ठीक है जाता हूँ, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, दादाजी के लिए। मैं भी आपके साथ शहर चलूंगी भैया। ए, नहीं। अरे जाना चाहते तो लेकर जाना, इसे शहर नहीं देखा है ना इसने। दादाजी मैं आपके लिए कूलिंग ग्लास लेकर आऊंगी। अरे अरे हमारे लिए नहीं, इसके लिए लेकर। ए चंटी, तू गायत्री को लेकर पूरा शहर घुमा कर ला, तब तक हम लोग यहीं वेट करेंगे। तेरे लिए कुछ लेकर आए क्या? गायत्री को बस संभल कर ले जाना। आओ गायत्री। बेटा एमएलए साहब ऊपर है। तुम बहुत नसीब वाले हो, मैंने तुम्हारी फाइल मेले साहब को दिखा दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में 2,00,000 रुपए जमा करवा देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार तुम फिर से चले आए, एमएलए साहब नहीं है, तुम जाओ। देखिए साहब मुझे उनसे बात करनी है। उनसे बात करने के लिए मैं सुबह से असेंबली के 4 चक्कर लगा चुका हूँ, उनके घर पर भी गया था बाबू। तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं साहब, देखिए आज मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन है, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मेरी मदद कीजिए, मुझ पर दया कीजिए साहब। अरे यार सुबह सुबह मैंने किसका मुँह देख लिया। देखो उठो उठो, देखो भाई तुम मुझे दिल से भगवान मानते हो ना, तो फिर क्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लोगे? सुनो भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे क्या? तुम एमएलए साहब को चढ़ावे के तौर पे 1,00,000 रुपया दे दो, तब मैं तुम्हारी तकलीफ एमएलए साहब को जाकर बताऊंगा। बॉस प्लीज कंट्रोल कर अपने आप को। फिर एमएलए साहब तुम पर दया करके 2,00,000 रुपया दे देंगे, बिना चढ़ावे के कुछ इच्छा पूरी नहीं होने वाली। बॉस मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाता हूँ और आप 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा साहब? अरे बाप रे, तुम लोगों से तो सिर्फ मांगने की देर है, उसके बाद आंसू टपकाना शुरू कर देते हो और बेहिसाब मांगते हो। एमएलए साहब यहाँ नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं, और वो कब आएंगे मुझे नहीं पता, उनके आने तक इंतजार करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। साहब साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके पैर पकड़ूंगा। बड़ा आया पैर पकड़ने वाला। बॉस नहीं, बॉस नहीं, मुझे मत रोकना। बॉस बॉस प्लीज यार भाई कुछ मत करो, बीच में मत आओ।
बेटा वो साहब मुझसे कितना झूठ बोल रहा है, मेरे साहब अंदर बैठे हुए हैं, मेरे बेटे के दिल का ऑपरेशन है बेटा, ये कागज लेकर उनसे साइन करवाने के लिए मैं कितने दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वो साहब इतने दिन से घुमा रहे हैं बेटा। गंगा राजू भाई, पुलिस वाला बस जोक मारता है। वो परसों वाले केस का क्या हुआ? वो केस क्लोज हो गया भाई। नमस्ते सर। कौन है रे तो? पता नहीं, उस लड़के की दिल की धड़कन कब रुक जाएगी, बस आपकी साइन की जरूरत है। जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की जरूरत है सर, और ऑपरेशन करने के लिए आपकी साइन की जरूरत है सर, और इस काम के लिए आपका पीए 20,000 रिश्वत मांग रहा है। क्या रे, ये सच है? सॉरी सर। वो क्या? ठीक बोल मत। मार्केट में पार्टी रेट खराब कर दिया और मेरी इज्जत भी खराब कर दी। दिल के ऑपरेशन के लिए तुमने सिर्फ 20,000 रुपया मांगा, कम से कम तुम्हें 50,000 मांगना था। देखो बेटा, मेरे पे को रेट मालूम नहीं था, गलती से उसने 20,000 रुपया मांगा था। तुम साइन करोगे या नहीं करोगे? नहीं करूंगा, क्या कर लेगा? इस पर साइन कर वरना तुझे चांद से मार दूंगा। साइन कर। ए, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एमएलए साहब को कान दिखा रहा है? ये एक बहुत बड़ा एमएलए और तू एक पुलिस वाला, पब्लिक के सामने डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे तुम लोग। कहता हूँ साइन करो, साइन करो। साइन कर, साइन कर। बेटे, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, लेकिन तुम एक फरिश्ते की तरह मेरी मदद कर रहे हो। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मैं चलता हूँ बेटा। कौन है तू? बोस, सुभाष चंद्र बोस। तू एक सच्चा एमएलए होगा ये सोचकर एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया था। क्या देख रहा है वे? न्याय का मैं साथ देता हूं, और जो गलती करता है उसे मैं छोड़ता नहीं। मेरी शैतानियत को मत जगा। सर, नमस्ते सर। सुबह यहाँ बोस नाम का मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था। आप उसके? मैं उसका दोस्त हूँ और ये उसकी बहन है। हाँ जी। क्या हुआ यार? गायत्री और चंटी को उधर आने के लिए कहा था ना? मार दो इसे, छोड़ना मत। छोड़ना मत।
गायत्री 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 गलती तो उस एमएलए ने की थी, सजा बोस की बहन गायत्री को मिली, वो हमेशा के लिए गूंगी हो गई और अचानक उसकी जिंदगी धराशायी होकर रह गई। हाँ, बचपन से जो लड़का मैं पुलिस बनूंगा कहता था, वो आज पुलिस के नाम से भी नफरत करता है। उन्हीं बातों को भुलाने के लिए उसने शराब पीने की आदत डाल ली। हाँ पूनम, लेकिन वो आज भी इस वर्दी को नहीं भुला पा रहा है। अरे हाँ पूनम, तुम तो बचपन में कहा करती थी कि तुम डॉक्टर बनोगी, तो बन गई तुम? हाँ मैं डॉक्टर ही बनी हूँ। तो फिर अब तुम फॉरेन जाकर करोड़ों रुपए कमाने वाली हो? नहीं, मैं यही रहकर सर्विस करना चाहती हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया पूनम। लेकिन वो शहर क्यों गया है? उसने अपना मन मार दिया, हमें और अपने परिवार को छोड़कर दुबई जाने की तैयारी कर रहा है। कब आएगा वो? पता नहीं। बहुत रात हो गई है, चलो हम सब कल मिलेंगे। हाँ। बाबू! अरे बलराम बाबू, कितने दिन हो गए आपको देखे, कितने साल हो गए आपसे मिले। कौन हो तुम? ये क्या बलराम जी, आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं है। मैं तो इसी गांव में रहती थी, जब मैं छोटी सी बच्ची थी पूरे गांव में गोबर पोतती थी। अरे गोबर की चिप्पी बनाकर बेचती थी ना, जिन लोगों को लेकर घूम रही है। ये तो मेरा फ्लैशबैक था। अभी तो मैं फिल्मों में जाकर ललिता पवार हो गई। तो फिर तुम इधर क्यों आई हो? कमर मटकाने के लिए। इस उम्र में डांस करना जरूरी है? ओम नमः शिवाय। अरे मुझे समझते क्या हो, मिथुन बाबू, गोविंदा, अक्षय, सब लोग मुझे बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे साथ डांस करो। लगता है गांव से भागकर आया है। कौन है? नमस्कार भाई साहब, मैं इनका बेटा हूँ। हेलो, हम लोगों को ये डांस म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। हम लोगों को प्रवचन चाहिए या परफेक्ट शांति। ये जा रहे। ऐसा बोलकर मेरा दिल मत तोड़ो बेटा, आप ही कुछ कीजिए बलराम बाबू, कुछ कीजिए। क्या बकवास कर रही है तू बुढ़िया? मेरी बेटी ने इन गानों पे डांस किया तो ही हिट हुआ। बलराम बाबू, अब आप ही समझाइए ना इन लोगों को, मैं इसी गांव में रहती थी ना, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी यहाँ डांस करे और गांव वाले ये कहकर उसे बोले कि वाह बेटी क्या डांस किया है तुमने। बाबू समझाइए ना आप इन लोगों को प्लीज। देखो बहन, हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होता है वो ये सब लड़के लोग संभाल लेते हैं। अगर उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाए यही मैं चाहता हूँ और मेरी मनोकामना भी है। बाबू 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 कुछ तो कीजिए बाबू बाबू। एक्सक्यूज मी, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ कोई मैकेनिक है? वो तो बाजू में ही रहता है, लेकिन वो पीकर कब का सो गया होगा। बिल्कुल सही, वो तो सो गया, अभी डायरेक्ट सुबह उठेगा। अभी भरपेट खाया पिया ना, खलास। यहाँ रहने के लिए कोई लॉज या होटल मिलेगा? यहाँ पर कोई लॉज या गेस्ट हाउस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राम बाबू की होटल है जहाँ चाय मिलती है। ये अकेला ऐसा होटल है जहाँ डे नाइट सर्विस है। आपको भी पीनी है तो आप पी लीजिए और चले जाइए, रहने के लिए जगह नहीं है। सुनो जी, अपने ड्राइवर को फोन करके देख लीजिए ना। देखो गीता, हम लोग खुद परेशान है तो उसे क्यों परेशान करें? हाँ ठीक है सर, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ओके आइए सर, बैठिए ना। आई एम अरविंद कुमार। आई एम राम बाबू, इस स्टॉल का प्रोपराइटर। इन्हें चंटी बोलते हैं, दूध की दुकान का प्रोपराइटर। मैं इस गांव का पंडित हूँ। ये इस गांव के मंदिर का प्रोपराइटर है। मेरा नाम एलेना है, मैं इन सब लोगों को संभालता हूँ। इसकी बात पे ध्यान नहीं देना, झूठ बोल रहा है। उसका नाम क्या है? बोस, सुभाष चंद्र बोस। सीरियस आदमी है सर। सॉरी सर, अभी कोई मैकेनिक नहीं है। एनीहाउ थैंक यू बोस, तुम जाकर देख कर तो आए। सर अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर आ जाइए।
मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फैमिली भी है। कोई बात नहीं सर, चले जाइए, सुबह सुबह नाश्ते में उपमा मिलेगा। आइए सर। ओके। ए, सुबह गाड़ी ठीक करके ले आना। ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर। जल्दी से सब्जी लेकर आ, भूख लगी है। हाँ हाँ लेकर आ रही हूँ। कौन सी सब्जी है? तुम्हारे मन पसंद की भाजी है। सप्ताह में इसी दिन खाना खाने के लिए इतनी घाई क्यों करते हो जी? अरे आज सोमवार है ना, आज के दिन हमारा बेटा खाना नहीं खाता है, उसके सामने हम लोग खाना कैसे खा सकते हैं तुम बताओ। माँ लगता है बेटा आ गया। सर मेरी माँ पिताजी और नमस्ते, नमस्ते। अरे जान के बहन तुम्हारी भैंस आ गई। माँ तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। आइए भाई साहब खाना खा लीजिए। नहीं नहीं हम लोग खा कर ही आए हैं। हाँ बहन पता नहीं कब खाया होगा, कम से कम हमारी संतुष्टि के लिए खा लीजिए। आइए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ अभी, आपके आने से पहले खाया। आइए। आपका बेटा क्या करता है? हाँ भाई हैदराबाद में कंप्यूटर ऑफिस में काम करता है। आइए हाथ धो लीजिए। आइए। गीता तुम्हारे डैडी का फोन है। ओके। हाँ बोलिए, हमारी कार खराब हो गई है। ठीक है हम लोग कल सुबह आ जाएंगे। हाँ ये क्या हा? इतनी देर रात तक फोन पे बात कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर दो, उन्हें डिस्टर्ब होगा। ओके ओके आई कॉल यू बैक। थोड़ी सब्जी देना। सब खत्म हो गई जी। कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं बॉस। ओके सर। नाश्ता करके जाते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये लो बॉस मेरा विजिटिंग कार्ड, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। सर आप? यस आई एम अरविंद आईपीएस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप लोग परेशान हो जाओगे इसलिए मैंने बताया नहीं। अच्छा जी अब हम लोग चलते हैं। अजी नमस्ते, फिर से आइएगा। नमस्कार। ओके बॉस सी यू फ्रेंड्स। नमस्ते नमस्ते सर। चलते हैं चल। रे अपना मुंह बंद कर, मच्छर अंदर चले जाएंगे। अब चुप करे, मैं अरविंद के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार उन्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी? अब ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं होता, 100 में 1 आदि ऐसे होते हैं। भैया देखो गायत्री इधर आ रही है। गायत्री? इतना टेंशन क्यों ले रही है गायत्री? अब तुम घर जाओ। क्या हुआ? कोई उठा नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे।
सर मैं बोस बोल रहा हूँ। बोस, हमारे ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक किया है। राम बाबू। हाँ बाबूजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अरविंद कुमार नाम के आईपीएस है। हाँ। इनके ऊपर अटैक हुआ तो बोस ने उन्हें बचाया। हाँ हाँ। सर हाँ। यही है वो। नमस्कार। ये बलराम जी है, हमारे गांव के प्रेसिडेंट। हाँ। हाँ। आपके बोस ने सही वक्त पर आकर हमें बचा लिया सर। हाँ। ये आपका कंगन रह गया था। क्या रे, इस तरह रो क्यों रहा है तू? अरे बोस, एक तरफ तुम्हें नौकरी मिलने की खुशी है तो हम लोगों को छोड़कर जा रहा है, इस बात का दुख हो रहा है। बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, इतने दिनों तक हम कहाँ थे? राम बाबू के होटल में। हम किस सदी में, 21वीं सेंचुरी में सेलफोन यूज कर सकते हैं और तुम लोग हो कि इस तरह कहने से कुछ नहीं होता बोस। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। व्हाट? यस, तुम अपने मन को मार रहे हो। पूनम, तुम्हारा मन नहीं है फिर भी तुम दुबई जा रहे हो, ओनली फॉर योर फैमिली। तुम अपने ख्वाहिशों का गला घोट रहे हो। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट अगर पसंद होती ना तो इस तरह तुम छोड़कर दुबई नहीं भाग जाते। स्टॉप इट। अब एक शब्द मत बोलना। पुलिस डिपार्टमेंट ही मेरी जान है। आई लाइक इट, आई लव इट, आई ड्रीम इट। आईपीएस सिलेक्शन के लिए जाकर बड़ा पुलिस ऑफिसर बनकर यूनिफॉर्म पहनकर इस देश को बदलूंगा, समाज को बदलूंगा, बुराई हटाऊंगा, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाऊंगा, अन्याय हटाऊंगा, न्याय लाऊंगा, न्याय लाऊंगा, न्याय लाऊंगा।
सच है सच है। तू जो कह रहा है वो सच है, सच है सच है। तू जो कह रहा है वो सच है। अच्छाई को लाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए यही एक पोस्ट है जो तुम्हें बुला रही है। श्री श्री महाप्रस्ताव, ऐसे कहते थे सुभाष चंद्र बोस। गेट अप, कम ऑन गेट अप। तुम्हारे घर में मैंने वीरों की तस्वीरें देखी, उस दिन मुझे पता चला तुम्हारे में जोश है। माय एक्सेप्टेशन आर राइट। सिर्फ मसल्स पावर ही नहीं, मेंटल पावर की भी बहुत जरूरत होती है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। नो, आई डोंट वांट टू बी इन पुलिस डिपार्टमेंट। बट व्हाई? जिस डिपार्टमेंट से मुझे प्रेम था और जो डिपार्टमेंट मेरी जान थी, आज उसी की वजह से मेरा परिवार कितनी मुसीबत झेल रहा है। मेरी बहन की आवाज चली गई, इसीलिए मुझे उस डिपार्टमेंट के नाम से ही नफरत है। जो हुआ उसे सोचकर अपनी इच्छाओं को मार रहे हो तुम, निराश होकर, गुस्से में, सब कुछ खोकर खड़े हो तुम। अमावस्या के बाद भी हम सूरज का इंतजार करते हैं। आज जो तुम्हें मौका मिला है, उस मौके को अपना हथियार बना लो। उस हथियार से जुल्म और गुनाह को जड़ से उखाड़ दो। बोस, करप्शन सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही नहीं है, बल्कि हर डिपार्टमेंट में है। तुम ये सोच रहे हो कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला? पूनम ने ही बताया। थैंक यू पूनम। पुलिस डिपार्टमेंट ही मेरी जान है। बचपन से मैं आईपीएस ऑफिसर ही बनना चाहता था, वही मेरा ख्वाब था। आईपीएस ऑफिसर ही सिर्फ पुलिस नहीं होता है, एक कांस्टेबल भी पुलिस होता है। डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत की जरूरत होती है। देखो बॉस, कल ही कांस्टेबल सिलेक्शन का लास्ट दिन है। ये लो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसों की जरूरत है। मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं है सर। ये हम लोगों को पसंद नहीं, ऐसा किसने कहा? तुम पुलिस की ही नौकरी करोगे। अरे बॉस, इस गांव में सिर्फ तू ही अकेला है जो बलराम का नाम हमेशा रोशन करता है। साइन करो। बेटी, तू ये क्या बोल रही है? हाँ दादाजी, मुझे बोस से प्यार हो गया है। और ये बोस को पता है? मुझे पता नहीं। देखो बेटी, जब प्यार दिल में ही रहे, जुबान से बाहर ना आए, तो वो बोझ बन जाता है। मेरी बात मान ले, तू बोस से प्रेम करती है तो ये बात तू बोस से जाकर कह दे। हाँ बेटी, बोस तुम्हारी बात मान लेगा। बोस बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देख रहा था, और आज उसका वो सपना हकीकत में बदलने वाला है। इस वक्त मैं उससे अपने प्यार का इजहार करके उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं चुप ही रहूंगी। तो फिर उसे नहीं बताओगी? अभी नहीं बताऊंगी। प्लीज तुम लोग भी बोस को अभी इस बारे में कुछ मत बोलना। नमस्कार दुर्गा भाई, मैं हूँ श्री सलाम। हाँ बोलो। तुमने उस बॉस का क्या किया अभी तक? मेरे आदमी लोग आज ही उसके गांव गए, कल तुम लोग आकर उसकी लाश ले जाना। उसे हमें ही मारना होगा और टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे। ए बॉस, कहाँ है बे तू? Oh,
हाँ बोल। हाँ भाई वो वाइजैक जा रहा है भाई। सही बोल रहा है। हाँ ना भाई। ए, वो खुद ही शेर के मुंह में आ रहा है, खत्म कर दो उसको। ठीक है भाई। ईमानदारी सच्चाई को अपनी वर्दी मानने वाला अफसर एक दिन तुम्हें खाक में मिलाकर रखेगा। मारो मुझे, मारो। अरे साहब पैसे तो देके जाओ। पैसा चाहिए? तू मुझसे पैसे मांग रहा है? पैसा चाहिए? तुझे जान प्यारी है कि नहीं? हाँ जानते नहीं हो क्या, ये हमारे बड़े साहब है। आप अंदर जाइए सर, मैं इसे समझा देता हूँ। मार डालूंगा रे, मार डालूंगा। हरामखोर मुझसे पैसे मांगता है। तू भी ऐसे कंजूस ऑफिसर से पैसे मांग रहा है? हा? हा? ए ले, ले। इस बार तो तू बच गया, दोबारा कभी इससे पंगा मत लेना। ठीक है साहब। अगर पैसे नहीं देगा तो भूखा नहीं मरेगा, पर ये तुझे जान से मार देगा, समझे? समझ गया साहब, चलता हूँ मैं। अरे 103 सर। इतना लेट क्यों आया रे? ये क्या कलेक्शन इतना कम क्यों हो गया रे? कोई भी इंस्पेक्टर स्टेशन आकर केस के बारे में पूछता है, ये कलेक्शन के बारे में पूछ रहा है। अरे कुछ घपला कर रहा है क्या? सर आपके बारे में पता होने के बावजूद भी मैं ऐसा कर सकता हूँ? चुप रह रे, चुप रह। ये फालतू के डायलॉग और बकवास के एक्सप्रेशन मेरे सामने मत कर। आज एप्पल नहीं आया? सर आज फल वाला वहाँ पे बैठा ही नहीं था। देख वो सब मैं नहीं जानता, आधे घंटे के अंदर एप्पल यहाँ होने चाहिए, समझ गया ना? समझ गया सर। हाँ बोलो लक्ष्मी। आपके पिताजी गुजर गए, फोन आया था। बूढ़ा आदमी था, मर गया वो। वैसे भी उम्र हो जाने के बाद तो आदमी मर ही जाता है, अगर उसे मरना ही था तो घर पे ही रहकर मरता। किसने कहा था उसे हॉस्पिटल में जाकर 3 लाख रुपए का बिल बनाकर मरने का, बूढ़ा खुसट कहीं का। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? वो आपके पिताजी थे और आप उनके बेटे हो। ओके ओके आ रहा हूँ। ये भाई ने अभी फोन क्यों किया? भाई भाई नमस्ते भाई। भाई मैं आपके पास ही अभी अभी आ रहा हूँ भाई। भाई मंदिर जाते समय नारियल लेकर, डॉक्टर के पास जाते समय पैसे लेकर, पॉलिटिशियन के पास जाते समय पार्टी फंड लेकर, और किसी लड़की के साथ जाने से पहले कंडोम, और आप जैसे भाई के पास आने से पहले सुंदर लड़की लाना कैसे भूल सकता हूँ भाई। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है भाई, एक फोन करने पर 10 लड़कियां आपके पास हाजिर हो जाएंगी। हाँ अच्छा आता हूँ भाई, अभी आता हूँ। ओके शास्त्री। सर। शास्त्री सर मैं एक जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ, एक कांस्टेबल आने वाला था, नहीं आया अभी तक, उसे हमारे लाइन में लगा दो। सर हमारे लाइन में मतलब मेरे लाइन में। अरे 103 सर ये सारे फल मेरे घर पे भिजवा दे। मैं सुभाष चंद्र बोस कहलाने वाला, मैं भारत देश के लिए, भारत राज्य के लिए अपने आप को मैं समर्पित करता हूँ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, सच्चाई और ईमानदारी से अपने काम को पूरा करूँगा और सबके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। मैं सिर्फ अपने आप को प्रजा सेवा के लिए समर्पित करूँगा
और अपने बड़े ऑफिसरों का आदर करूंगा और मैं हमेशा प्रजा हित के लिए ही काम करूंगा। यही आज मेरी शपथ है। जय हिंद। नमस्ते। माँ घंटी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ सर। और कितने डिपार्टमेंट हैं? तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट में ही आना था क्या? हफ्ता वसूली के बारे में सोच के रखा होगा इसने, लेकिन ये सब हमारे हाथ नहीं लगने वाला बेटा। तुम यहाँ क्यों काम करना चाहते हो? दुनिया में और भी काम है जीने के लिए। सर मैं जीने के लिए काम नहीं करता, काम करने के लिए जीता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, ए भगवान। क्यों लड़की, बहुत सुंदर लग रही है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? हाँ भाई आप सही कह रहे हो, मैं भी इसको यही बोल रहा था। चेहरा दिखाकर मैं यही काम करूँ? तुम्हारे फेस को क्या हुआ? इसी को दिखाकर तो तुमने 2 एकड़ जमीन हड़प लिया सुना है मैंने। तो आप भी कहाँ पीछे हैं जनाब, शहर के बगल में आपने भी तो 4 एकड़ की जमीन ले रखी है। अरे बाप रे, वकील साहब देखो इन्फॉर्मेशन निकालने में तो पुलिस से भी फास्ट है। इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी बीवी, बोलो लक्ष्मी। कहाँ हो जी आप? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। अरे 103 चाय भेज रहे। आप झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? हाँ मैं और झूठ नहीं बोल सकता, मैं भाई के साथ हूँ। फिर से आप पैसों के लिए वहाँ गए हो ना? पैसों के पीछे आप क्यों भागते रहते हो? नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 लक्ष्मी, हम लोग गांव जा रहे हैं ना, खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? आपकी सैलरी में हम खुश हैं। मेरी जितनी सैलरी है उससे गुजारा नहीं हो सकता लक्ष्मी। इसके लिए हम दूसरे की गुलामी क्यों करें? ओके 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हैप्पी हाँ, बाय। बाप जी लगता है आप अपनी बेबी से बहुत प्यार करते हो। जान से ज्यादा, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मर जाऊंगा उसके बगैर। जिस तरह अलादीन की जान उसके चिराग में होती है, मुझे लगता है इनकी जान इनकी बीवी के पास है। चिराग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जान मेरी बीवी में बसती है। ये सब छोड़ो, लेकिन भाई किधर है, मस्ती कर रहे हैं क्या? नमस्ते भाई। और बाप जी। भाई नमस्ते भाई। भाई आप 100 साल जिएंगे भाई, मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था भाई। परसों जो उस एसआई के साथ हुआ उसको लेकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भाई मुझे आपके रहते क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई, वो फाइल तो मैंने कब की क्लोज कर दी है। हाँ भाई 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 भाई, मैं आपके कुत्ते जैसा हूँ भाई, आपकी और आपकी फैमिली की हमेशा रखवाली करता हूँ भाई, आप तो जानते हैं। मैं तुझ पे विश्वास कर सकता हूँ। थैंक यू भाई, इसे हमेशा के लिए कायम रखना। भाई भाई मैं गाँव जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मेरे पिताजी का देहांत हो गया भाई, इसीलिए। इसको 10,000 दे दे। ठीक है भाई। भाई थोड़ा बढ़ा दीजिए भाई, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, प्लीज 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 भाई, प्लीज प्लीज 10,000 और दे। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। कब लौटेगा तू? बस यूं जाता हूँ, यूं आता हूँ चुटकी बजा के। मुझे बात नहीं काम चाहिए। जल्दी जाके आप। जा। थैंक यू भाई। ए हट। क्या हुआ भाई? अर्जेंट उस बॉम्बे बाबू को बुला। एक्शनिस्ट आ रहा, जल्दी भाग यहाँ से। एक्शनिस्ट रेपिस्ट के बारे में सुना, टेररिस्ट के बारे में सुना, फैक्शनिस्ट के बारे में सुना, टेररिस्ट के बारे में सुना हूँ, लेकिन ये नया एक्शनिस्ट कौन है? उसके बारे में नहीं जाने वही अच्छा, चल भाग यहाँ से।
क्या हो रहे भाई? लगता है बैटरी खत्म हो गई। भाई लगता है पानी खत्म हो गया। भाई मुंबई के समुद्र से पानी खत्म हो सकता है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक एक्शन से 100-100 रिएक्शन निकलते हैं। भाई नहीं भाई, मत भाई, एक्शन फॉलो मी। भाई उसे देखो भाई, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे क्या करना है, तुम कौन हो? ये मुझसे नहीं कह रहा है बे, फिल्म का नाम ले रहा है। ए, मैं मुंबई का बाबू हूँ रे। तो फिर तू वाइजेक में क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है जो जिस गांव का है उसे उसी गांव में रहना चाहिए? गो बैक। अरे अबे ये तो अंधा है बे। नमस्ते सर। क्यों देख कर अनदेखा कर रहा है? नहीं सर, मैंने आपको देखा नहीं था। क्या बात है, पेट इतना भर रहा है, क्या खा रहा है? गैस प्रॉब्लम। भाई दबा मत, यही छोड़ देगा। क्या रे, मामूली सा वसूली का है? ये मेरा पगार है सर। चल इस बार तुझे माफ किया, चल भाग चल। डरना मत बेटा। अरे भाई आ रहे हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। यही है भाई मास्टर। अच्छा क्या मास्टर, मेरे बच्चे को 100 में से 0 दिया तू? इससे कम नंबर नहीं था, इसके लिए 0 दे दिया। नाटक कर रहा है क्या तू? बिना तलवार के गर्दन काट दूंगा। इज्जत से बात कीजिए, मैं मास्टर हूँ। मुझे सिर्फ एक ही मास्टर पता है, और वो है अपना भाई चिरंजीवी। इज्जत से तू मेरे बेटे को 100 में से 500 नंबर दे दे, वरना नंबर कैसे दू सर, उसका पेट चिरेंगे तो भी एक अक्षर नहीं निकलेगा। अच्छा अक्षर पेट में रहते हैं? मैं भी देखता हूँ तेरे पेट में कितने अक्षर हैं। पेट के रस बाहर आ जाएंगे। तू मास्टर है और तेरे पेट में अक्षर नहीं है, तो मेरे बेटे के पेट में अक्षर कैसे होंगे? नंबर डालेगा ना? डालूंगा। और सुन, कल से मेरा बेटा स्कूल नहीं आएगा। मुझे ही आना होगा। वो नहीं पढ़ेगा। मुझे ही पढ़ाना होगा। वो एग्जाम भी नहीं देगा। तो फिर मुझे ही पास करना होगा, कभी नहीं सुधरेगा। क्या बोला? मुझे ही सुधारना होगा। अब तो बज रहा है, तू निकल जा बे। मैं अभी निकल रहा हूँ। अरे सूटकेस निकालो। सेनू, बाबू आ रहा है। इतना लेट क्यों आ रहे हो? भाई वहाँ वेट कर रहे हैं। कितने लोगों से बचा कर आ रहा हूँ, एक दो थोड़ी थे। बकवास मत कर, अंदर जाओ। अरे तो पहले अंदर जाना। नमस्ते भाई। पूनम कैसी हो? अरे बॉस, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुमने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है ना? हाँ ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। ये पीछे आवाज कैसी आ रही है? तुम्हारे मम्मी डैडी दादा फ्रेंड्स। अरे बॉस कैसा है बॉस? बिना बॉस
देखे बगैर हम लोग नहीं रह पा रहे भैया। पूनम, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस लिए? तुमने मेरे बारे में अरविंद जी को बताया ना, इसलिए। अरे अरे, बॉस के मुंह से मर्दों वाली बात सुनना चाहते हैं? सेंटिमेंटल और इमोशनल्स नहीं, मैं तुमसे सीरियसली कह रहा हूँ, हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। कई सालों से वो इस बाईजैक सिटी में अपना राज चला रहा है, उसका नाम सुनकर पेशाब करने वाले भी रुक जाते हैं। उसको देखकर जी भरकर मारने को जी करता है, लेकिन सामने आने पर सैल्यूट करने के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन का सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, ताकत है, पैसे का सपोर्ट है। हाँ बॉस, हमारे जो सीआई हैं वो भी कुत्ते की तरह उसके पैरों के नीचे पड़े रहते हैं। एमपीएस रत्नम बैकबोन जैसे हैं। एमपीएस रत्नम और दुर्गा दोनों का एक वक्त था, दोनों छोटी मोटी चोरियां करते थे साथ में, और उसी तरह बड़े लेवल तक भी आ गए। और पीएस रत्नम पॉलिटिक्स में चला गया, राजनीति को गुंडागर्दी का सपोर्ट मिला और गुंडागर्दी को राजनीति का सपोर्ट मिला। पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी बन गई, तो फिर सोसाइटी की धज्जियां तो उड़ेंगी ना। तुम्हारे आने के दो दिन पहले एसआई नारायण का बीच रास्ते में उन लोगों ने कत्ल कर दिया। उसका गुनाह क्या था? उसने सिर्फ दुर्गा के भाई को पुलिस स्टेशन में रखा था, और उसी की पत्नी से कोर्ट में ये गवाही दिलाई गई कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है। बस इतना गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहो। मतलब मैं इस तरह खामोश देखता रहूं? ए, तू क्या पागल हो गया? तू एक मामूली सा कांस्टेबल है और कुछ नहीं। वो लोग तेरे को खलास कर देंगे। उनको मारने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और ताकत की जरूरत नहीं है, दम की है, दम की जरूरत है। मैं तुम्हारा सीनियर हूं इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। ए, हत्ता निकाल, सीधे तरीके से निकालता है कि दूं? जानता नहीं है क्या हमको? वैजाक में नया आया लगता है। दुर्गा भाई को जानता नहीं है। चल जल्दी कर। ए, लिया। अबे चुपचाप दे दे, वरना दे दूंगा, समझा क्या? चल निकाल निकाल अभी। तेरे को धंधा करने का है कि नहीं करने का? हाँ चल पैसा निकाल अभी। गुरुजी वो देखिए। बॉस ये क्या किया? इतना गुस्सा आता है तुमको? हमारी बातों से तुम्हें इतना गुस्सा आ गया बॉस? चलो भाई चलो यहाँ से, चलते चलो यहाँ से, चलो उठो, चलो बॉस अब निकलते हैं, चलो। ए शास्त्री, हम लोगों को देखकर यहाँ से चुपचाप निकल रहा है क्या? नमस्ते भाई, वो हमारी ड्यूटी का टाइम हो गया ना, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्या पुलिस वाले हो तुम लोग यार। ए शास्त्री, तुम लोग हम लोगों को एक दिन भी पुलिस स्टेशन में नहीं रहने देते हो, फिर तुम लोग जिंदगी भर पुलिस स्टेशन में रह लेते हो। ये ऐसा क्या देख रहा है, नया आया है क्या? हाँ ये नया आया है, इसका नाम बोस है। बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस क्या? जो भी हो अपने सामने दुम हिलाना पड़ेगा। क्या जोक मारा शास्त्री। चलो अब अपनी कैप ही दे दो भाई, ड्यूटी का टाइम हो रहा है भाई। नहीं नहीं दे दो भाई, कैसा लग रहा है? भाई भाई भाई, तो राज कपूर लग रहे हैं भाई। नहीं भाई भाई, चलो मैं ये वर्दी का टाइम हो रहा है भाई, मेरी वर्दी क्यों उतार रहे हैं? चल निकलता हूं भाई, मेरी वर्दी मत उतार, ये मुझे ड्यूटी में जाना है भाई। भाई उसकी टोपी भी अच्छी लग रही है, तो जा उसका भी उतार ले भाई। भाई दे दो ना भाई, भाई दो ना। इस शहर में ऐसे ही दमदार पुलिस वाले की जरूरत थी। ए पुलिस, अभी दुर्गा भाई आ रहे हैं, अगर तुझ में दम है तो यहीं रुक। गुरुजी गुरुजी, चिंतामणि दुर्गा आ रहा है,
उसके आने से पहले हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। छी, क्या लड़कियों की तरह बातें कर रहा है? अभी तुमने नहीं देखा इसका दम? ये बोस है, सुभाष चंद्र बोस, दम वाला है, दम वाला। आने दो उस चिंतकाया दुर्गा को, देख उसकी कैसे चटनी बनाएगा ये। हाँ ठीक है, हेलो। बोस वही है चिंतकाया दुर्गा, उसकी एक एक हड्डी को चटनी कर देना। भाई ये तो वही है जिसका फोटो अपने पास है, इसी आदमी ने मुझे मारने की धमकी दी थी भाई। इतने दिन को इतने दिनों के बाद कोई टक्कर का मिला है। अरे अरे छोड़ दो। अगर तूने कभी कहा कि तू बहुत बड़ा गुंडा है और तेरे पीछे पुलिस है तो जान से मार दूंगा। छोड़ दे ये गुंडागर्दी, इंसान की तरह जी, अपने बारे में सोच ले। एक मौका और देता हूं, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां तेरे वकील तेरे बेल पेपर्स लेकर रेडी रहेंगे, और अगर तुझे चार दीवारी के अंदर मारूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पब्लिक में पब्लिक की तरह मारूंगा। अब तू हर एक मिनट मर मर के जिएगा। जाने दो भाई। भाई मैं जो कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। ए, ये आंख निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। चाहे तो भाई आपको उकसा रहा है, छोड़ दो। बॉस, आज मुझे पुलिस की नौकरी ज्वाइन किए हुए 25 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला कांस्टेबल मैंने नहीं देखा। तुम उनका नाम रोशन कर रहे हो, सुभाष चंद्र बोस। कीप इट अप। टीवी 9 न्यूज में आपका स्वागत है। वाईजे के मशहूर गुंडे चिंतामणि दुर्गा को एक मामूली कांस्टेबल ने बीच रास्ते में मार गिराया, लेकिन ये घटना कहां तक जाएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। टीवी 9 पर आपका स्वागत है, मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। वाईजैक में मशहूर गुंडा चिंतामणि दुर्गा को बॉस नाम के एक मामूली कांस्टेबल ने बीच रास्ते पर मारा। पुलिस डिपार्टमेंट, राजनेता और सामान्य जनता में दहशत फैलाने वाले इस कुख्यात गुंडे को एक मामूली कांस्टेबल ने पीटा। बॉस नाम के इस मामूली कांस्टेबल की ऐसी हरकत का क्या परिणाम हो सकता है किसी को मालूम नहीं। इसे जानने के लिए देखिए अगला बुलेटिन। इस
पूरे वाईजेक सिटी में दुर्गा का नाम सुनते ही पूरा शहर कांपने लग जाता है। मैं इस कांस्टेबल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई पहले मेरी बात तो सुने। उस दिन अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं उस कांस्टेबल को वही खत्म कर देता। उसको आसानी से काटने के लिए वो गन्ना थोड़ी है। हेलो भाई, श्री शैलम जी आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, श्री शैलम बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपना डील कैंसिल करते। तू बॉस को मारेगा ये तो तू और तेरा भगवान ही जानता है। इस डील का बॉस को पता चल गया तो मुझे जान से मार देगा। फोन बंद कर रहे, डरपोक कहीं का। हेलो बॉस सर, हम लोग चैनल से आए हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं तो एक मामूली कांस्टेबल हूँ। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है? आपने सिर्फ वाईजेक सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। आपने एक मामूली कांस्टेबल होकर भी इतने बड़े गुंडे चिंतामणि दुर्गा को मारा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो मेरी ड्यूटी थी। बोस सर, चिंतामणि दुर्गा के बारे में अपनी राय बताएं। वो क्या कोई सुभाष चंद्र बोस है या फिर भगत सिंह है, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बारे में आप अपनी राय नहीं दे रहे हो, कहीं दुर्गा से आपको डर तो नहीं लगता? आफ्टर ऑल वो एक मामूली गुंडा है, मैं उससे क्यों डरूंगा? क्या बात है, गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? आज के पुलिस अफसरों में बदलाव आना चाहिए। हर गुंडे को किसी का सपोर्ट है, वो चाहे एमपी हो, एसपी हो, एमएलए हो, एसआई हो, कॉर्पोरेटर हो या फिर कांस्टेबल हो। और उनमें बदलाव आने से पहले पब्लिक में, मतलब तुम लोगों में बदलाव आना चाहिए। पब्लिक में जब तक बदलाव नहीं आएगा गुंडे आते रहेंगे। ये पॉलिटिशियन इसी तरह गुंडे लाते रहेंगे और हम इसी तरह डरते रहेंगे। सैल्यूट सर, पुलिस डिपार्टमेंट में एक हिम्मत वाला आदमी तो आया। आज गुंडागर्दी के लिए पब्लिक ही जिम्मेदार है, आज जो करप्शन है उसके लिए भी पब्लिक ही जिम्मेदार है। यस, नोट के लिए वोट डालने का रूल बंद हो जाना चाहिए। देश नंबर वन होने के लिए पॉपुलेशन मायने नहीं रखता, पॉलिटिशियन मायने रखता है। कोई भी पॉलिटिशियन अपने और अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए या पब्लिक के लिए। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 60 साल हो गए लेकिन आज भी पुराने पॉलिटिशियन को याद किया जाता है, ना कि आज के पॉलिटिशियन को। सॉरी बोस जी, मैंने आपको जानबूझकर इमोशनल किया। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो आप इंटरव्यू नहीं देते। ये लाइव प्रोग्राम है, आप जो इस पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं, आपके इंस्पिरेशन कौन है? दो जन, यस, उस जमाने के महान सुभाष चंद्र बोस और दूसरे हैं एसपी अरविंद कुमार आईपीएस। वही मेरे गुरु हैं, गाइड हैं और फिलोसोफर। आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? हाँ, मैं कोना सीमा का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप और एक बहन है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे गाँव के सबसे बड़े प्रेसिडेंट है बलराम जी। और मेरे फ्रेंड्स राम बाबू, चंटी, पंडित, पूनम। आपकी शादी हो गई? नहीं। आपने किसी से प्यार किया है? यस, किया है। किससे? इस यूनिफॉर्म से। तुमने उस वर्दी से प्यार किया है और मैंने तुमसे प्यार किया है, पुलिस वाला। ए, यहाँ पे बॉस के बाद तू भी आ गया आज यहाँ पे, लगता तेरा टाइम अच्छा नहीं है। कौन बा बॉस? ए, तू बड़े चल निकल। हमरा दुर्गा पे कौन हाथ उठे ले? तुम्हारे जैसे और होते इस डिपार्टमेंट में तो कब का सुधर गया होता है डिपार्टमेंट। यही है भैंस एमएस रत्नम। उठिए सर, उठिए सर, उठिए सर। तू बड़े ना बॉस। ये पार्लियामेंट नहीं, पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर खादी ड्रेस नहीं, खाकी वर्दी पहनने वाले बैठते हैं। तेरा पता है हम के बानी कौन है? पिक पॉकेट जैसा काम करके और चोरी चकारी के काम करके तू एक पार्लियामेंट का मेंबर बना है। तू तो गधा है एमएस रत्नम। तू अपना के का समझता रे? आखिर बाड़े तो तू एगो पुलिस कांस्टेबल, हमरा से मत उलझ ना तो पीसल जइबे। हमरा दुर्गा के पास आई के तू माफी मांग। तू अगर मामूली इंसान को सपोर्ट करता तो मैं तुझे सल्यूट करता, लेकिन तू मामूली गुंडे को सपोर्ट करता है, इसलिए हमारे देश की आज ये स्थिति है। तू निकल यहाँ से। अगर हम चाहें तो तेरा 5 मिनट में यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुझे मार के ही यहाँ से जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जा रे, जा यहाँ से।
सच्चा पुलिस वाला कैसा होता है और उसकी पावर क्या होती है ये पता चला ना। आउट सर, गुड मॉर्निंग बॉस। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैडम और बच्चे ठीक है ना? सब अच्छे हैं। सर मेरे हेड कांस्टेबल शास्त्री जी, ये सारे हमारे कलीग्स हैं। नमस्ते सर। सर आप हमारे लिए एक हीरा ढूंढ कर लाए हैं सर। थैंक यू सर। नमस्ते भाई। सॉरी भाई, गलती हो गई। ए, तो इसको अपनी तरह टकलू बना दे। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? ए, नमस्ते भाई। भाई ये हमारे आदमियों को हफ्ता नहीं देता है भाई। मेरा नाम क्या है बे? क्या भाई, आप तो अपना नाम भी भूल गए। ए, मैं नहीं भूला हूँ, तुझे याद दिला रहा हूँ बे। बोल। बम्बई बाबू द ग्रेट एक्शनिस्ट। मैं क्या करता हूँ? चिंता पंडू को एक्शन कर सिखाते भाई। चिंता पंडू नहीं बे, चिंतकाया। चिंतकाया जो भी हो, आप उसी के साथ काम करते हो ना भाई। लेकिन मैंने सुना तू हफ्ता नहीं देता। हा? भाई वो देखो, ये क्या फिर तूने मेरे फोटो पर हार चढ़ाया? भाई वो आपकी फोटो नहीं है, वो तो मेरे मरे हुए भाई की फोटो है। हाँ ना भाई, अचानक ऑटोमेटिक फीड्स आने से मर गया भाई। अरे ऑटोमेटिक फीड्स आकर तेरा भाई मरा नहीं है, ऑटोमेटिक तेरा भाई जिंदा हो गया है भाई। हाँ आजा, मैं ही तेरा भाई हूँ। मेरे पिताजी को वो नहीं, आप पैदा हुए थे, आप ही मेरे सगे भाई हो। छोटे भाई, छोटे भाई। पुरानी फिल्मों का सेंटीमेंट। भाई 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 भाई, गलती हो गई भाई। मैं होता तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कभी नहीं होता। अरे चुप, तू क्या बात कर रहा है रे? कितने बार फोन किया, आउट ऑफ कवरेज आउट ऑफ कवरेज आउट ऑफ कवरेज। उसको देखना, सिर्फ नसीब अच्छा था इसलिए आज बच के खड़ा है वो, नहीं तो कब का मर गया होता वो। सीनू सही कह रहा है, मेरा टाइम बहुत अच्छा था, वरना मेरी फोटो पर हार ही चढ़ाना पड़ता। गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स दोनों मिलकर उसको एक इंच भी नहीं ला पा रहे, तुम अकेले क्या करोगे उसके सामने? जनाब एक बात कहूँ? इलेक्शन हो जाए के बाद प्रचार के लिए क्या जरूरत हूँ? सब कुछ हो जाए के बाद आवे के का मतलब? जौन होके वाला बा ओकरे बारे में सोच। मार डालूंगा भाई। लोहे को लोहे से काटना पड़ता है, सुना है ना? पुलिस को पुलिस से ही मरना होगा। अगर गुंडे और राजनेता ने मारा तो ये एक मर्डर केस बन जाएगा, अगर पुलिस ने मारा तो ये ऑपरेशन कहलाएगा। ये बाप जी क्या ऑपरेशन करता है आपको पता चल जाएगा। चलता हूं भाई, चलता हूं। अरे बॉस, शास्त्री सर। यही है सर्कल इंस्पेक्टर बाप जी। बॉस थोड़ा संभल के। सर गुड गुड, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है, चलो बैठो। ओके सर। बॉस जहां भी देखो बस तुम्हारी ये चर्चाएं हो रही है। गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। तुम्हें एक बात मालूम है, जब मैं भी नया नया ज्वाइन हुआ था ना, तुम्हारी तरह ही सिंसियर था। फिर धीरे धीरे लाइफ में समझौता करना पड़ा, लेकिन तुम बिल्कुल मत बदलना, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। यस सर। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। ओके यस। आ, आ,
क्लाइमेट बहुत ठंडा है ना। यहाँ पर क्यों लेकर आए सर? बॉस, यहाँ तुम्हारे जैसे सिंसियरिटी से काम करने वाले बहुत लोग हैं, उनके साथ तुम्हारा परिचय कराने के लिए लाया हूँ। मैंने इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था सर। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मार डाला भाई मैंने उसको, मार डाला। खुशियां मनाइए, खुशियां मनाइए भाई, मजाक कीजिए। अरे रे 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 भाई ने इतनी जल्दी खेल भी शुरू कर दिया। एरिया कौन सा है? वाइजाग सेंटर भाई। अरे मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अरे आप तो डायरेक्ट घर पे ही आ जाइए ना भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब लोगों को नमस्ते। भाई भाई कहाँ है? अंदर बिजी है। नमस्ते भाई। भाई भाई मैंने मैंने उसे मार दिया भाई, उसका चैप्टर क्लोज। भाई जब आपने मुझसे बात नहीं किया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था भाई, इसीलिए मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई, सच में। भाई भाई मैं भी अंदर। प्लीज 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 भाई। मेरे अंगने में तू डोर क्लोज कर दे। ला 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 ला। भाई मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आई? सिनू सिनू मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आई? गोल बोले बोल मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आई? वकील साहब तुम बताओ मेरी लक्ष्मी कैसे आई? भाई भाई तुम बोलो मेरी लक्ष्मी यहाँ कैसे आई? भाई वो तुम्हारी बीवी थी, बहुत अच्छी थी बाप जी। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। मेरे पे हाथ उठा, मेरे पे हाथ दिया। भाई इसको ठोक दूं क्या? खत्म कर दे। भाई ठोक दूं क्या इसे? नहीं,
छोड़ दे इसको। आज मुझे पता चला बॉस कि मैं किस गलत रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उस दुर्गा के हर एक अड्डे के बारे में मुझे पता है। हाँ बॉस, उसकी हर चीज के बारे में पता है मुझे। आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा बॉस। ृगंध संतति प्रबोधमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित्ति गंबरे मनो विरोध में तो बहुत। सिविल्स नोटिफिकेशन आ गया है, तुम अप्लाई करो। ओके सर। तुम जल्दी ही आईपीएस बन जाओगे। थैंक यू सर। रक्षणामणि प्रभा अलंब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिव्य धूमुके मलांध सिंदूरत्पुरत्परुत्तरीय मेरुवे मनो विनोद तू डेफिनेट आईपीएस ऑफिसर बनेगा, फिकर मत कर। टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एक मामूली कांस्टेबल के डर से बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन चिंतामणि सूरत वाला अचानक अंडरग्राउंड हो गया है। उसे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रही है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। दुर्गा की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी गई है, उसे हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। पुलिस की क्या पावर होती है उसे हम दिखाएंगे। अरे दुर्गा, काउंट योर डेज। आज इस वाइजेक सिटी में इतनी शांति छाई हुई है, इसकी वजह एक मामूली कांस्टेबल बोस है। ऐसे कई बोस की जरूरत है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, तभी हमारे देश से गुंडागर्दी मिटेगी। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ राजा टीवी 9 विशाखापट्टनम। दुर्गा दुर्गा, तू पागल हो गई बड़का, तुरा पता नहीं क्या हमारे हालात का बा। अगर बाहर गई ना तो कहीं कभी ना रहो। अगर हम तोरा जैसा जल्दबाजी करती तो एगो गुंडा बनती, राजनेता जैसा ताकत से मारे के चाहिए, और कहू के कमजोरी से, और एकरा के दिमाग से मारे के पड़ी, यानी कि एकरा के बुद्धि से मारे के पड़ी। अरे बोस भैया, बोस भैया। कैसे हो दादाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। बोस ये बता, तू पुलिस वाला होके पुलिस के जीप में आने के बजाय सरकारी बस में कैसे आया? मैं पुलिस बनकर नहीं आया दादाजी, मैं आपका बोस बनकर आया हूँ। और तुम सब कैसे हो? ठीक है, तुम तो टीवी में एकदम छा गए हो। दादाजी ये हमारे सीआई बाप जी। नमस्ते। और ये मेरे कोलीग्स, ये मेरे दादाजी, ये मेरे माता पिता, और वो मेरे फ्रेंड्स। नमस्कार। आपका बेटा महान है, ग्रेट। आप लोग हमारे यहाँ मंगनी में आए हो, लेकिन कल हमारे यहाँ यात्रा है, वो भी आप लोग देख कर जाइए। ठीक है,
दादाजी हाँ हमारी गायत्री की शादी इसके साथ होने वाली है। हाँ हाँ नमस्कार। एक सेकेंड। हेलो क्या हो गया बेटे? हमारा बॉस आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गया है। का और इश्क का जलसा लगा लो। आओ ना लुत्फ ले लो जवानी की रातों का। क्या समझो ये इशारा। फसलों से घर भर दूंगा, घरमा पूरे कर दूंगा, सोने से घर भर दूंगा। ओठों से छू ले रे, एक है जमी मेरी हुई अम्मा, तिल खेती सूख गई जो रमा। तू मैं तेरी खेती चूल्हा तू मेरा जला तेरी, तुझको देखते प्यार हो गया ओ मधुबाला। अरे 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 बूढ़े को भी हरियाली सूझ रही है क्या? अरे ना जाना समझो हमें, बोते हैं बीच जब जमी होती है कच्ची। अच्छा होगा बोते हैं बीच जब जमी होती है कच्ची, अच्छा होगा जो तो फसल होती है अच्छी। मौके पे जाकर जो कर भर दूंगा, अरमा पूरे कर दूंगा, सोने से घर भर दूंगा, खेती तेरी कर दूंगा, फसलों से घर भर दूंगा। कहाँ है तो ये वक्त हम तोहरा ही काम करा था नहीं। कितने दिन और कितने दिन मुझे अंडरग्राउंड रहना होगा? मरे तक। क्या बोस के मरे तक? और तू ढेर चिंता मत कर दुर्गा, तू बोस के मार के शहर में वापस वही राज दिलाई, तब तक हम पानी के एक बूंद भी ना पिया। ये ऐसा रत्नम के जुबान बा। पगला गया है बेचारा चिंता मनी। उसके पास कहाँ है पॉलिटिकल दिमाग, इसलिए तो मैं आपके पार्टी में ज्वाइन हो गई हूँ ना। अरे सीट का हम तेरे खातिर जान भी दे दे वो। नहीं दुर्गा तू हमरा के कुछ मत करिया। मैं तो तुम्हारी हूँ ना। हाँ।
देखा तो। बेटी कितने दिन तक अपने मन में बात रखेगी, जा और उसको बता दे क्या है। तुम्हारे प्यार को ठुकराएगा नहीं, जाकर अपने मन की बात कह दो। देखो बेटी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, तू जाकर बात कर ले। अरे कह देना, अरे पुलिस वाला, तू मेरे मन में बस गया है, जल्दी से आ और मेरे गले में मंगलसूत्र बांध के मुझे लेके जा। अरे ऐसे खड़े देखने से क्या होगा, जा और जाकर बॉस को कह दो। हाय बॉस, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। कौन सी? ये फूल बहुत अच्छे है ना? क्या हुआ बॉस? कुछ नहीं। बॉस, इस वक्त गुस्से में हो या नॉर्मल हो? मैं इमोशनल हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। बॉस, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू बॉस। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती बॉस। पूनम कहाँ हो तुम? हाँ, डर गया ना तू? इसका मतलब डर क्या होता तुझे पता है? ए, मैं यहां तेरी जान लेने आया हूं और वो मैं लेकर ही जाऊंगा। इसी सेंटर में तूने मुझे मारा था और इसी सेंटर में मैं तेरा सर काटकर तेरे हाथ में दूंगा। Hey! Wow!
सर वो देखो आना आ जा अरे आ जा दबा दो मार मेरे को अरे उठ मर क्यों ला जा उठ 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 चिंता का है दुर्गा की ताकत क्या है जो भी मुझसे भिड़ेगा उसे मैं इसी तरह से मार दूंगा खत्म कर दूंगा उसको जो भी भिड़ेगा जो भी हाय